हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की ये वीडियो स्पेशली मैंने उन सभी बैंड्स के लिए बनाई है जिन्होंने EWSDG कैटेगरी का फॉर्म भरा था 2022 और 23 के सत्र में, और ना तो उनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया ना ही दूसरी लिस्ट में आया, और दोबारा से उन्होंने अप्लाई किया था जब फ्रेश फॉर्म निकले थे 3 अक्टूबर 2022 से, और उस लिस्ट में भी उनके बच्चों का नाम नहीं आया है। देखिए, आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बार बार कमेंट करते हैं जब उनके बच्चों का नाम नहीं आता है लिस्ट में कि मैम हम बार बार फॉर्म भरते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चों का नाम नहीं आ रहा है। कहीं कोई अंदर से इंटरनल कहीं कुछ ऐसा जुगाड़ तो नहीं लगाया जाता है इस फॉर्म में सीट को लेने के लिए, या बहुत सारी बातें हैं आपके मन में जो उठती हैं। इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए आज मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है जिन भी पेरेंट्स के बच्चों का नाम 2022 और 23 के सत्र में किसी भी लिस्ट में नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से एक लाइन बोलना चाहूँगी कि कोई भी फॉर्म, कोई भी लिस्ट आपके बच्चे के भविष्य को निर्धारित नहीं करती है। आपके बच्चे के भविष्य को निर्धारित आप करेंगे, आपके बच्चे के भविष्य को निर्धारित आपका बच्चा करेगा। और ये अगर आप बातें समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और एक फॉर्म पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, फॉर्म भरना, फॉर्म में नाम नहीं आना, निराश होकर बैठ जाना, अब हमारे बच्चे का क्या होगा, कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। अगर ये फॉर्म ना होते या ना निकलते तो क्या आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? आप सोच के देखिए, क्या आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं तो आपका बच्चा पढ़ेगा ही। और रही बात इस फॉर्म की, दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट की लैंड पर बने होते हैं उन सभी स्कूलों में हर साल रिजर्व सीट होती है, और हर साल DOE इसके ऊपर फॉर्म निकालती है और हजारों बच्चों का एडमिशन होता है इन सीटों के ऊपर, और हजारों बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो हर साल फॉर्म भरते हैं लेकिन किसी भी साल उनके बच्चों का नाम नहीं आ रहा है, इस साल भी नहीं आया है, और बहुत निराश होकर बैठ गए हैं। देखिए, एक छोटा सा मैं आप सभी को उदाहरण देना चाहूँगी इस फॉर्म को लेके। मान लीजिए, एक सुबह आप अपने घर से निकले काम के लिए, जैसे आप रोज़ निकलते थे सुबह उठे और जब भी अपना काम करते हैं वो करने के बाद आप अपने घर से निकले ऑफिस के लिए, और चलते चलते अचानक से आपकी नज़र नीचे गई और आपने एक पर्स देखा, वो बिल्कुल नया था और आपको लगा ये बिल्कुल नया पर्स है, उठा के देखना चाहिए। आपने उठाया और उसमें 2000 रुपये थे, और उस रुपए को देख के आपको बहुत खुशी हुई, आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज का सुबह तो बन गया, आज का दिन तो बन गया, और फटाफट से आप वापस घर आए, अपनी फैमिली को बताया कि आज ऐसे 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 ये हुआ और मुझे ये मिला, अब इसको कहाँ स्पेंड करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो आपको पर्स मिला, उसके अंदर पैसे मिला, उससे आपको बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू भी है, आपको पता है कि वो पर्स किसी और का है, और जिसका भी गिरा होगा उसने जानबूझ के नहीं गिराया है, वो गलती से ही गिरा होगा, और जब उसने घर पे जाके देखा होगा कि उसके जेब में पर्स नहीं है तो उसे कितना दुख हुआ होगा। तो इसके दो पहलू हैं, एक आपको पर्स मिला आप बहुत खुश हो रहे हैं, दूसरा वो पर्सन जिसके जेब से वो पर्स गिरा और वो घर जाके बहुत दुखी हुआ। दो पहलू हैं, ना इसमें आपकी गलती है ना ही इसमें उस पर्सन की गलती है जिसका वो पर्स गिरा, उसने भी जानबूझ के नहीं गिराया और ना ही आपने उससे जानबूझकर छीना है। तो ये समझना, अपनी मेंटेलिटी को तैयार करना इस बात के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये फॉर्म है, अगर आप सोचें तो इस कहानी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। इस फॉर्म को आपने केवल उस तरह से समझना है जैसे कि आपको रास्ते में वो पर्स मिला था, बस उसी तरह से आपके बच्चे की लाइफ स्टार्ट हुई स्टडी की, और आपने रास्ते में, मतलब हर साल ये फॉर्म निकलते हैं तो हाँ जी इस साल ये फॉर्म निकलना होता है और हमने ये फॉर्म भरना है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो हम इस फॉर्म को भर देते हैं, इतना ही सोच के आपको ये फॉर्म भरना है। आपको इस फॉर्म पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फॉर्म है निकलते हैं रिजर्व सीट होती है, लिमिटेड सीट होती है, और
इस सीट्स पर पढ़ने के लिए बहुत सारी जो बच्चे होते हैं डिज़र्व करते हैं, ऐसा नहीं है केवल आप इस फॉर्म को भरने के लिए डिज़र्व करते हैं, आपके अलावा बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से पेरेंट्स जो हैं इस फॉर्म को भरने को डिज़र्व करते हैं आपकी तरह। और सीट्स होती है लिमिटेड, और जितनी सीट्स होती है, मान लीजिए एक स्कूल में EWS कैटेगरी में नर्सरी क्लास में 10 सीट है, और उस 10 सीट्स पर लगभग सैकड़ों लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो ऐसा तो नहीं है, डिज़र्व तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं और वो जो सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है सभी का नाम उस लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि सीट तो 10 है, तो 10 सीट पे अगर सैकड़ों फॉर्म भरे गए हैं तो जो नाम है बच्चों का वो भी तो 10 ही आएंगे, तो सबका नाम आना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आपके बच्चे का नाम नहीं आया है या नहीं आता है, उसी तरह से आपकी तरह बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम नहीं आता है, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम आता है और नाम आता है इंटरनली, इसमें कोई भी कहते हैं ना कि इंटरनली इसमें पैसे दे के ये सीट्स खरीदी जाती है, ये खरीद, देखिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपने भरा है, आपने खुद ट्राई किया है, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अगर एक से दो बार कोई एक ही बच्चे का दो बार फॉर्म भी भर दिया जाता है तो वो डाटा जो होता है सेम अगर मैच हो जाता है तो उस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है, तो इसलिए बोला भी जाता है कि आपको केवल एक बच्चे का एक ही फॉर्म भरना है, दो फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं पेरेंट्स दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EW से भी और DG से भी, तो वो सोचते हैं कि हम दो फॉर्म भर दें, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं, दो फॉर्म हमें एक ही फॉर्म भरना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं, सीट्स ऐसा नहीं है बिकती है, ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है सब कुछ, और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन ड्रॉ निकलता है, सीट्स कहीं नहीं बिकती है, और बहुत सारे मेरे आसपास एग्जांपल हैं, और आगे आने वाले टाइम में मैं खुद आपको क्लियर करूँगी कि वाकई में जो है जो नाम है बच्चों का आता है, और कब आपके बच्चे की किस्मत पलट जाए, कब आपकी किस्मत पलट जाए उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ये है कि जो मौका आपको मिलता है फॉर्म भरने का, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसे आप बिल्कुल भी मत गवाइए, मैं बार बार बोलती हूँ, नाम आना ना आना वो आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, बट फॉर्म भरना आपके हाथ में है, आप अपना कर्तव्य करिए, आप अपना फ़र्ज निभाइए, फॉर्म ज़रूर भरिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो। कब आपके बच्चे का नाम आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, और ये जीता जागता सबूत मेरे लिए है, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। आप उस बात को सुनकर आप वाकई में हैरान होंगे, तो अभी इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, ये वीडियो बस मैंने उन सभी पेरेंट्स के लिए बनाई थी जो बिल्कुल ही परेशान हो गए थे कि मैम बार बार फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल भी नहीं नाम आता है, क्या करें, फॉर्म भरते रहें, बस फॉर्म भरने से क्या होता है। देखिए फॉर्म भरने से बहुत कुछ होता है, फॉर्म भरने से क्या पता आपके बच्चे का एक बार कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को दोबारा बोलना चाहूँगी कि एक फॉर्म, एक लिस्ट आपके बच्चे के भविष्य को निर्धारित नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।